गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारा चैप्टर है लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या होती है। तो पिछले वीडियो में आप जो पिछला चैप्टर हमारा था उसमें आप पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद क्या होते थे। अब आप पढ़ेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है। तो समीकरण वो होते हैं जिनमें दो पक्ष दिए गए हों, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जैसे आपसे कहा जाए कि 3 और 7 को ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस 7 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि x और 7 को ऐड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, x और 7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारा पहला है ये आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस और ये आपका हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या और 5 को जोड़ने पर 12 आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे x प्लस 7 या 5, x और 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम जो संख्या थी वो हमने x मान ली और उसमें 5 जोड़ने पर 12 आता है। तो जो ये है ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि दो पक्ष दिए गए हैं, ठीक है, कौन से, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो पक्ष दिए गए हैं। ये आपका हो जाएगा LHS और ये आपका हो जाएगा RHS, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल्स, ये वेरिएबल हो जाएगा और ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं x प्लस 12 इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। ये आपका एक समीकरण है, क्यों समीकरण है, क्योंकि इसमें दो पक्ष दिए गए हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, x प्लस 5 है, दायां पक्ष क्या है, 12 है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लाइनियर। लाइनियर इक्वेशन क्या होती है, तो लाइनियर इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन की उच्चतम पावर जो है 1 हो। हमने बताया था कि रैखिक समीकरण वो होते हैं जिस में आपका जो उच्चतम घात है वो 1 हो, जैसे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। ये आपका एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, जो इसकी उच्च हाईएस्ट पावर है वो 1 दी गई है। तो ये आपका एक लाइनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि लाइनियर इक्वेशन के जो है सॉल्यूशन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लाइनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, जैसे आपका लिखा है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ से हम देखेंगे कि x की वो वैल्यू जो इसके LHS और RHS को इक्वल कर दे वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 5x ये आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2, तो 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 5, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो इसकी जो वैल्यू, जो इसका LHS और RHS है वो आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इक्वेशन की, वो देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी होती है किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है। अगर आपने कहा कि 5x प्लस 7, 5x इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो हम इसमें एक ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ दें तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों से एक ही संख्या घटाई भी जा सकती है। अगर एक ही संख्या जोड़ दें, यानी अगर इधर 5 जोड़ देंगे और इधर 5 जोड़ देंगे, तो इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इधर से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है कि दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा करने पर भी समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपका कोई समीकरण दिया गया है तो एक ही संख्या से आप गुणा कर देंगे तो उस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2x + 7 = 15 ये आपका दिया गया है, तो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस समीकरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से भाग करने पर भी समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया, LHS में भी 3 से डिवाइड किया और RHS में भी 3 से डिवाइड किया, तो इस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका आ जाता है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण कैसे करते हैं, अगर जिसको या पक्षांतर कह सकते हैं आप, अगर आपका 2x + 5 = 7 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 5 को हम बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, जो गुणे में होता है वो भाग में चेंज हो जाता है, जो भाग में होता है वो गुणे में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका 2x, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 7 - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। अब अगर हम इस अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर ये माइनस का होता तो ये क्या होता, 2x, अब ये उधर अगर इसको हम उधर भेजते तो ये आपका प्लस का 5 हो जाता, यानी जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो वो काहे में जाता, उसको देखिए थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, 3 × 2x - 5, अब यहाँ पे = 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 3 है वो इसके गुणे में है, 2x - 5 के गुणे में है। तो अगर हम 2x - 5 बराबर निकालेंगे तो ये आपका इधर बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अगर ऐसे ही होता 2x = 7, तो ये कि x के गुणे में लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती 7/2। ठीक है, ये आपका गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, अगर भाग में होता तो गुणे में जाता। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, x - 2/7 = 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 7 है वो बटे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब ये आगे इसको हम पक्षांतर करेंगे, LHS को RHS की तरफ ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x - 2 = 5 × 7, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक आप देख रहे थे कि इसमें वेरिएबल आपके कितने थे, केवल एक था, जो x, y, z है वो सिर्फ एक ही था, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। अगर वेरिएबल आपके दो दिए गए हो तो आप कैसे जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो 2 वेरिएबल्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2x + 3y = 10। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x है y है,
ये आपके क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। तो ये आपका जो एक एग्जांपल है वो ये और लाइनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर आपकी वन है, ठीक है, एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है। तो जो ये आपका एक एग्जांपल है वो लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का जो नाम है वो यही है, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो अब आ जाइए, ये आपका हो गया लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके अगर हम हल निकालें तो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे हमारे, वो देख लीजिए। जैसे आपने ले लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y की ऐसी कोई वैल्यू दीजिए, ठीक है, कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू भी 2 रख दें तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। 14 इज इक्वल, ये इम्प्लाइज दैट यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों भी, दोनों ही हमने यहाँ पे 2 रखी हैं, और 2 रखने पे क्या हुआ, जो आपकी इक्वेशन है वो LHS इज इक्वल टू RHS हो गई है। तो 2,2 इस लाइनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, का हल है, ठीक है। अब अगर आप कैसे हल, अनेक हल निकालेंगे, बहुत सारे हल हो सकते हैं, आप कितने भी हल इसके निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रख दी तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 14, ठीक है, 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 14। तो 5y क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 5 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारी 12 अपॉन 5 आ गई। यानी अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू 12 अपॉन 5 रख दें तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आप ले लीजिए, अगर 2x की वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 2 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 14, 2 टू जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 14, 5y इज इक्वल टू 14 और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू आपका आ गया 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, 2,2। अगर हम 2,2 x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 रखें तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें, एक माइनस का एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें तब क्या आएगी y की वैल्यू, तो 2 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी, -1 रखी है, तो -2 मल्टीप्लाई किया तो -2
प्लस 5y इज इक्वल टू 14, 5y इज इक्वल टू 14, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू आपका आ गया 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16/5, तो आपका जो हल आया वो क्या आया -1, 16/5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें y की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक लाइनियर इक्वेशन, जो दो वेरिएबल जिसके दो हैं, जो दो चरों में दिया गया है, उसके हल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स।